जस्ट वेट। हाय बच्चों, नमस्ते। मेरे बेटा, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सिखाने वाला हूँ। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप 11th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, CA फाउंडेशन में हो, CA इंटरमीडिएट में हो या CA फाइनल में हो, बहुत लोग यहाँ पर आके चक्कर खा जाते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। इस लेक्चर के अंदर हम एक एक बात, एक एक फेज, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्त, हम आज इस लेक्चर में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। और जब मैं बोल रहा हूँ कि हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मतलब ऑल बेसिक्स, इंक्लूडिंग टर्म्स, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स, इंक्लूडिंग रूल्स। हम यहाँ सब कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है सर, हम इसमें सर क्या क्या कवर करेंगे थोड़ा वो भी बता दीजिए। मेरे बेटा, सबसे पहले तो हम इसके अंदर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग टर्म्स क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हम मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को डिस्कस करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट के मतलब के बाद फिर हम कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर ही, ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल अकाउंटिंग इज डन, जिसके बेसिस पर ही सारी अकाउंटिंग करी जाती है। ठीक है सर, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। अगर आप आज की क्लास देख लेते हैं, तो आज की क्लास देख के आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, फिर देर किस बात की। जी बच्चों, चालू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करता हूँ, तो मेरे बेटा आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में 5 टर्म्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 5 टर्म्स को पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कॉमर्स वाले हों, आप साइंस वाले हों, आप आर्ट्स वाले हों। ये 5 टर्म्स अगर आपने पढ़ ली, तो आपका सारा का सारा अकाउंटिंग का झोल मैं बहुत सिंप्लीफाइड कर दूंगा। वो 5 टर्म्स होती हैं ए, ई, एल, आई, सी। वो 5 टर्म्स होती हैं ए, ई, एल, आई, सी। आज तक के सारे लेक्चर्स में मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में समझाया है, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं इनका ऑपरेशन कर दूंगा, बस आप ध्यान से सुनना। ए का मतलब होता है एसेट्स, ई का मतलब होता है एक्सपेंसेस, एल का मतलब होता है लायबिलिटी, आई का मतलब होता है इनकम, और सी का मतलब होता है कैपिटल। मैं इनको डिटेल में समझाना चालू करता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो मेरा सबसे पहला जो शब्द आया, जो सबसे पहली टर्म आई, वो आई एसेट। अगर मैं एसेट के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करूं, तो एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है
एनी थिंग, ऐसी कोई भी चीज विच इज ओन्ड बाय अस, पहली चीज तो वो हमारी होनी चाहिए, प्लस इट विल गिव बेनिफिट्स इन फ्यूचर, और वो बेनिफिट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए, वो बेनिफिट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए। मतलब सर एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए एक ये मिस्टर एक्स हैं, इन मिस्टर एक्स के पास में एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को वो या तो रेंट पर दे सकते हैं, क्या मैं कहूँ अगर वो इस बिल्डिंग को रेंट पर देंगे तो उनको रेंट रिसीव होगा, और अगर रेंट रिसीव होगा तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट है कि नहीं, बोलो ये इकोनॉमिक बेनिफिट है कि नहीं। हाँ, अगर वो इस बिल्डिंग को रेंट पर नहीं देते, अगर वो इस बिल्डिंग को रेंट पर नहीं देते, सेल्फ यूज के लिए रखते हैं, तो क्या मैं कहूं वो रेंट सेव करेंगे? अरे मेरे भाई, अगर मेरा खुद का घर नहीं होता तो मुझे किराए पर रहना पड़ता, और मैं किराए पर रहता तो किराया पे करता तो मेरे पास से पैसा जाता। मेरा खुद का घर है, अब वो मेरे पास से पैसा नहीं जा रहा, तो वो भी तो मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट है कि नहीं, तो ये भी मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट है। ठीक है सर, अब वो क्या कर सकते थे? सर वो इस बिल्डिंग को अपनी फैक्ट्री के लिए यूज कर सकते थे। तो क्या मैं कहूं अगर वो उनकी खुद की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को वो ओन करते हैं, तो अगर वो उनकी खुद की बिल्डिंग है तो क्या मैं कह सकता हूं वो अब यहां पर भी रेंट सेव कर रहे हैं, और अगर रेंट सेव कर रहे हैं तो ये भी इकोनॉमिक बेनिफिट है। आपको बात समझ में आ रही है कि एसेट का मतलब, एसेट की दो कंडीशन है, और यहां पर एक और बात समझ में आती है कि पैसे का ना जाना भी, तो पैसे का आना ही है, राइट? पैसे का ना जाना भी तो पैसे का आना ही हुआ ना। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न्ड, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न्ड। इसी वजह से तो मैंने जहां जहां ये सेल्फ यूज के लिए इस्तेमाल करी, इसका मतलब मैंने रेंट नहीं दिया, और मैंने रेंट नहीं दिया तो इसका मतलब मैंने पैसा बचाया ना। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, तो मान लीजिए मिस्टर जेड के पास में एक प्लांट एंड मशीनरी है, वो प्लांट एंड मशीनरी इनकी खुद की है। इस प्लांट एंड मशीनरी का, पहली बात तो इस इनकी खुद की है। देखो एसेट के लिए दो कंडीशन बनी, क्या मैं कहूँ, पहली कंडीशन तो बनी ओन्ड बाय अस, और दूसरी कंडीशन बनी इकोनॉमिक बेनिफिट। समझ में आ रही है बात? पहली कंडीशन तो बनी ओन्ड बाय अस, और दूसरी कंडीशन बनी इकोनॉमिक बेनिफिट। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तब वो कोई भी सामान आपका एसेट माना जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी मैं ओन करता हूँ, ओन करके मैं उससे आउटपुट बनाऊंगा, आउटपुट को आप दूसरी भाषा में प्रोडक्ट भी कह सकते हो। जब मैं उसको ओन करके आउटपुट बनाऊंगा या प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो इस प्रोडक्ट को मैं सेल करूंगा,
और अगर सेल करूँगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा कि नहीं आएगा? इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा ना, तो इसीलिए ही ये प्लांट एंड मशीनरी भी मेरा एसेट कहलाती है। तो आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको एसेट ज्यादा क्लैरिफाई हो रहा होगा, केवल एसेट टर्म ही ज्यादा क्लैरिफाई हो रही होगी। अब अगर मैं बात करूं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है सिप्ला, सिप्ला लिमिटेड एक मेडिसिन बना रही थी, एक मेडिसिन बना रही थी। अब मेडिसिन का बेसिकली फॉर्मूला बना रही थी, मेडिसिन का फॉर्मूला बना रही थी। क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा इसका मेडिसिन का फॉर्मूला बनाने के पीछे? क्या मैं कहूं सिप्ला का मेडिसिन बनाने के पीछे का फॉर्मूला यह रहा होगा कि भाई इस फॉर्मूले को बनाएंगे, मान लीजिए ये कैंसर की मेडिसिन बना रही थी, इस फॉर्मूले को बनाएंगे, अपने नाम पर पेटेंट कराएंगे, तो ये ओन्ड बाय अस हो गया, अपने नाम पर पेटेंट करा के ओन्ड बाय अस हो गया, और फिर इससे दवाइयां बना के बेचेंगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो गया। प्लान बिल्कुल सेट था, फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला बनाने बनाने में 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब पता चला कि ये फेल हो गया, कि यार इससे तो सही नहीं हो रहे और मर रहे हैं लोग, तो क्या मैं कहूं अब सिप्ला लिमिटेड को क्या कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? बताओ, क्या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं सर। अब देख लें भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं मामला फंस जाए। हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। हाँ, तो मैंने कहा क्या सिप्ला को कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं सर, सिप्ला को कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसीलिए ये एसेट भी नहीं बनेगा। आई बात समझ में? क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसीलिए ये एसेट भी नहीं बनेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझ में आती है, 100% बात समझ में आती है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब मेरे बेटा, अब आता है टाइप्स ऑफ एसेट। सर, ये एसेट कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एसेट, अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ एसेट की, तो मेरे बेटा एक होता है फिक्स्ड एसेट। इसका आजकल दूसरा फैशनेबल नाम पीपीई भी है, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मेरे बेटा ये फिक्स्ड एसेट क्या होता है? ये होता है बेसिकली लॉन्ग टर्म यूज के लिए विद एन इंटेंशन टू कीप इन बिजनेस फॉर मोर देन 12 मंथ्स। आप खुद बताओ ना, क्या आप घर खरीदते बेचते खरीदते बेचते खरीदते बेचते हो? क्या आप फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदते बेचते खरीदते बेचते खरीदते बेचते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं कहूं कि मेरे भाई, बहुत सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि यहां पर फिक्स्ड एसेट वो एसेट माने जाएंगे जिनका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए होना है, और जो बिजनेस के अंदर 1 साल या 12 महीने से ज्यादा टिकेंगे। ठीक है जी। फिर आता है मेरे बेटा एक करंट एसेट्स। करंट एसेट क्या होता है? सर, करंट एसेट वो होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस में काम आते हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस में काम आते हैं। फॉर और इनका ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? इनका ऑब्जेक्टिव होता है कन्वर्जन इन कैश। जैसे आपने माल बनाया,
अब माल को आप अपने पास रखोगे थोड़ी, आपका काम क्या है, सामान को बना के बेचना, जब बिकेगा तभी तो पैसा आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहां हो गया स्टॉक, ठीक है। उसके बाद होता है मेरे बेटा टेंजिबल एसेट। मेरे बच्चा टेंजिबल एसेट वो होता है जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है। मैं अगर आपको यहां पढ़ा रहा हूं, मेरे पास ये पेंसिल है, मेरे पास ये आईपैड है, तो ये मेरा एसेट तो है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ओन्ड बाय मी है। लेकिन क्या मैं कहूं, इसको साथ साथ मैं छू भी सकता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, यस आई कैन फील दैट इट इज हैविंग अ फिजिकल अपीयरेंस, मैं ऐसे मार भी सकता हूं, हाँ। तो वो होता है टेंजिबल। ऐसे ही मेरे बेटा एक और होता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। तो ये चीजें होती हैं आपकी टाइप्स ऑफ एसेट। तो आई होप अब आपको एसेट का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हमेशा याद रखना कि आगे अगली, चलो हमेशा याद रखने वाली बात अभी बाद में बताऊंगा। सेकंड आता है एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर एक्सपेंसेस शब्द नहीं लिखा है, मैंने यहां पर एक्सपेंडिचर शब्द लिखा है। मेरे बेटा एक्सपेंडिचर शब्द का मतलब होता है पैसे का जाना। एक्सपेंडिचर शब्द का मतलब होता है पैसे का जाना। अब आप अपने अंदर इमेजिन करके देखिए कि आप पैसा कहां कहां खर्च कर सकते हो। अगर मैं कहता हूं कि आपकी तरफ से पैसा गया, आपने पैसा खर्च किया, आपने पैसा खर्च किया, लेकिन उस पैसे से आपने एसेट बना दिया, वाह भाई वाह, क्या मैं कहूं, पैसा तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में भी खर्च हो रहा है, पैसा तो लैंड खरीदने में भी खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, हां, लेकिन उससे आपका एसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, और क्या मैं कहूं एसेट बन रहा है, और उसका अगर बेनिफिट मुझे मोर देन 12 मंथ्स के लिए मिल रहा है, 12 महीने से ज्यादा के लिए मुझे उसका फायदा मिल रहा है, तो ऐसे खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं मेरे बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब दूसरा सुनो, मान लो सेकंड केस में आपने पैसा तो खर्च किया, पैसे तो खर्च किए, आपने पैसे तो खर्च किए, बट एसेट बिल्डअप नहीं हुआ, आपने जो पैसे खर्च करे उससे एसेट तो नहीं बना, और एसेट नहीं बना और उसका बेनिफिट भी आपको लेस देन 12 मंथ्स के लिए मिलेगा, तो ऐसे खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसे खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो अगर मैं कहूं एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मतलब डे टू डे खर्चा है, कोई भी एसेट नहीं बन रहा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, मतलब खर्चा ही है मेरा। मेरे बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम एक्सपेंसेस होता है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम एक्सपेंसेस होता है, याद रखना। सर व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू? सर हमें क्या मतलब है, हम क्यों कैपिटल और रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड दैट। भाई अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या मैं बोलूं कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है? अब आप खुद सोच के देखो, अगर आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, खर्चा दिखा दिया, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा उस कंपनी का। और आपने किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखा दिया तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर कम हो गए। इसीलिए ये बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई वेरी क्लेवरली, वेरी लॉजिकली कि क्या एक्सपेंस होगा और क्या एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर होती है बात? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली चीज जो आती है वो आती है मेरे बेटा, तीसरी चीज जो आती है उसे बोलते हैं लायबिलिटी। तीसरी चीज जो आती है उसे बोलते हैं लायबिलिटी। आपने आज तक लायबिलिटी का मतलब सुना होगा। देख लें भाई पहले रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ जी रिकॉर्ड तो फर्स्ट क्लास हो रही है, चल रहा है, टनाटन मामला चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे सुनते हैं बात को। हाँ तो जब आगे बात सुनी तो लायबिलिटी, आपने लायबिलिटी का आज तक मतलब पढ़ा है उधारियां, कोई और रिफाइंड इंग्लिश ज्यादा इंग्लिश में बोलता है, कहता है ऑब्लिगेशन। अरे भाई ध्यान से सुनो, लायबिलिटी का आज मैं आपको असली मतलब बताता हूं। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, लायबिलिटी का मतलब होता है मेरे बेटा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स। लायबिलिटी का मतलब होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स विच विल रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश और अदर एसेट्स या रिसोर्सेस एंड अमाउंट इज सर्टेन। भाई ये इतनी बढ़िया डेफिनेशन है कि इसका पूरा ऑपरेशन कर डालूंगा मैं, ध्यान से सुनना। पहली बात जो आई वो आई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पहली बात जो आई वो आई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब अब पैसा देना पड़ेगा। क्या मैं बोलूं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया अब पैसा देना पड़ेगा, अब पैसा देना पड़ेगा। अगली बात आती है अराइजिंग बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स, इसका मतलब हो गया पुराने पापों की वजह से। आप जरा इमेजिन करके देखो, क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी होती है, किसी से माल लिया होगा पहले तभी तो वो मेरे क्रेडिटर बने। बैंक लोन लायबिलिटी होती है, अरे तो मेरे भाई बैंक का लोन लिया होगा, मेरे पुराने कर्म है कि मैंने बैंक का लोन लिया है तभी तो वो मेरी लायबिलिटी बना है। आ रही है बात समझ में? सैलरीज आउटस्टैंडिंग, किसी व्यक्ति से काम करवाया होगा और उसकी तनख्वाह नहीं दी तभी तो आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी हुँ।
बिल्कुल तो क्या मैं कह सकता हूं पुराने पापों की वजह से अब पैसा देना पड़ेगा, विच विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। इसका मतलब कुछ कैश बैंक या रिसोर्स जाना चाहिए। क्या मैं बोलूं, ऐसी लायबिलिटी लायबिलिटी के नाम पर धिक्कार है अगर वो हमारा पैसा आउटफ्लो ना करवाए। अरे मेरे भाई, अगर पैसे का आउटफ्लो हो ही नहीं रहा तो किस बात की लायबिलिटी, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बनती है मेरे बेटा, जो सबसे जरूरी बात बनती है, वो बनती है अमाउंट सर्टेन है, मतलब अमाउंट फिक्स्ड है। आप देखो लायबिलिटी के हर एक चीज का, लायबिलिटी के हर एक चीज का अमाउंट फिक्स होता है कि नहीं? हाँ, क्रेडिटर होता है कि नहीं होता? क्रेडिटर, बैंक लोन, डिबेंचर्स, हर जगह लायबिलिटी फिक्स्ड है कि नहीं फिक्स्ड? अमाउंट फिक्स होना चाहिए। यस, तो इसे कहते हैं लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में भी फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। कैसे? जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में भी दो टाइप की लायबिलिटी आती हैं। एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मेरे बेटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब होता है विच नीड्स टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स। ऐसी लायबिलिटी जो अभी पे नहीं करनी, जो अभी पे नहीं करनी, बाद में पे करनी है, ठीक है? फिर एक होती है मेरे बेटा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? दैट लायबिलिटी विच नीड्स टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, जो 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है। तो ये होती है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और ये होती है आपकी करंट लायबिलिटी, ठीक है सर? आगे बताइए, अगली चीज आती है AELI। आई का मतलब होता है इनकम। और मेरे बच्चे हमेशा याद रखना, इनकम हमेशा रेवेन्यू नेचर की होती है। इनकम अगर कोई शब्द है तो वो रेवेन्यू नेचर का ही होगा। इनकम कभी कैपिटल नहीं होती, इनकम कभी भी कैपिटल नेचर की नहीं होती, इनकम सदैव रेवेन्यू नेचर की ही होती है। ये सारे के सारे नोट्स जो है ना, देख रहे हो आप, आपके कितने बढ़िया नोट्स बन रहे हैं, देख रहे हो आप नोट्स, देख रहे हो कितने बढ़िया बन रहे हैं। ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको वीडियो के साथ दे दूंगा, ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको वीडियो के साथ दे दूंगा। तो ध्यान से सुनना, इनकम हमेशा रेवेन्यू नेचर की होती है और वो डे टू डे ऑपरेशंस से जनरेट होती है, डे टू डे ऑपरेशंस से जनरेट होती है। और उसके बाद जो आखिरी चीज आती है वो आती है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा हुआ है उसे कैपिटल बोलते हैं, बाय ओनर। ओनर ने जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा हुआ है वह
कैपिटल कहलाता है, उसको ही कैपिटल बोलते हैं। ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आती है। आगे की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर, इसी को कैपिटल बोलते हैं। ठीक है सर, अगर और डिटेल में चले तो क्या होता है, अगर और डिटेल में चले तो कैपिटल भी फर्दर दो प्रकार की हो सकती है, ओन फंड और लोन फंड। अपना पैसा बिजनेस में लगाया हो या फिर किसी दूसरे का पैसा बिजनेस में लगा दिया हो, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है सर, आइए। तो अब आपको बच्चों ये तो पक्का डिटेल में पता चल गया ना कि एसेट क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है और कैपिटल क्या होती है। ठीक है, चलो इसको अब और डिटेल में लेके जाते हैं। और डिटेल का मतलब, अब सर व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। सर ये मुझे समझ नहीं आता कि ये डेबिट क्या है और ये क्रेडिट क्या है, थोड़ा सर जरा इस पर प्रकाश डालें। तो मैं बच्चों आपको समझाता हूँ डेबिट और क्रेडिट क्या है। जनरली आप लोग बोलते हो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जनरली आप लोग बोलते हो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ऐसी टाइप की बातें चलती हैं। लेकिन ये बातें बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, ये बहुत सिंपल चीज है मेरे दोस्त। कोई भी अकाउंट बनता है ना तो वो अकाउंट टी शेप्ड होता है, कोई भी अकाउंट बनता है तो वो अकाउंट टी शेप्ड होता है। टी शेप्ड मतलब वो कुछ इस प्रकार का होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है टी। किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं, किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं और किसी भी अकाउंट की राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं। मैंने बोला चाहे कोई भी खाता हो, चाहे वो एसेट हो या वो एक्सपेंस हो या वो लायबिलिटी हो या वो इनकम हो या वो कैपिटल हो, किसी भी की राइट हैंड साइड क्रेडिट होगी और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होगी। राइट हैंड साइड क्रेडिट होगी और लेफ्ट हैंड साइड सदैव डेबिट रहेगी। ओके सर, ये बात भी हमने मान ली। आगे की बात करें, अब यहां घूमता है गोल्डन, अब यहां घूमता है सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन, सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन। सर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो बहुत है। प्रॉब्लम तो ये है कि ये पता नहीं चलता क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। ये बिल्कुल पता नहीं चल पाता कि सर क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या, ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, ए ई एल आई सी। अब आपको ए ई एल आई सी का डिटेल्ड वर्जन पता है, एसेट एक्सपेंसेस लायबिलिटीज इनकम और कैपिटल। मेरे बेटा पूरी जिंदगी में अगर एसेट और एक्सपेंस में से कोई भी चीज बढ़ेगी
तो वो सदैव डेबिट होगी, और कोई भी चीज़ घटेगी तो वो सदैव क्रेडिट होगी। मतलब अगर एसेट बढ़ रहा है, अगर ये अकाउंट एसेट का अकाउंट है, तो अगर ये बढ़ेगा तो डेबिट में जाएगा इसके, और घटेगा तो क्रेडिट में जाएगा। अगर ये एक्सपेंसेस का अकाउंट है तो एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे, मैं एक्सपेंसेस की पेमेंट करते जाऊंगा, तो वो भी डेबिट में आएंगे और बाकी क्रेडिट में जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली LIC बोले तो लाइबिलिटीज इनकम और कैपिटल, अगर ये बढ़ेंगे तो सदैव क्रेडिट में जाएंगे, और अगर ये घटेंगे तो सदैव डेबिट में ही जाएंगे। मैंने बोला अगर ए और ई बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। LIC बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। सर थोड़ा और मजा दिलाओ, ये बताओ कि आप बार बार केवल इन पांचों को ही क्यों पकड़ रहे हो, कुछ और आइटम क्यों नहीं पकड़ रहे। बिल्कुल आपका जवाब, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि सर एक डाउट है। क्या डाउट है? Why you are only taking 5 items, that is A-E-L-I-C, why not less and why not more? ना आप ज्यादा ले रहे हो ना आप कम ले रहे हो, केवल और केवल ये पांच ही क्यों ले रहे हो? देयर इज अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दैट। बहुत 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 ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है अपने पास। सर जरा हमें भी बताओ वो कौन सी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अरे सर आप तो बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हो। जी हाँ, मैं हिंदी का बहुत ही अच्छा श्रोता वक्ता दोनों हूँ। सुनिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। मेरे बेटा अकाउंटिंग करने का, अकाउंटिंग करने का अगर मैं बात करूँ तो हाँ, अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या मैं कहूँ अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना और बैलेंस शीट का पता लगाना। प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताता है? वो हमें हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है कि भाई तुम कुछ कमा भी रहे हो या फिर केवल गवाह ही गवा रहे हो। और सर बैलेंस शीट क्या बताती है? मेरे बेटा बैलेंस शीट हमें हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है और बैलेंस शीट हमेशा आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। एग्रीड सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। आगे बताओ, आगे ध्यान से सुनना मेरे बेटा। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ये अकाउंट है और मैंने आपको खुद ही बोला कि सारे अकाउंट जो होंगे वो टी शेप में होंगे। एक तरफ बेटा इसके एक्सपेंसेस होते हैं और एक एक्सपेंसेस डेबिट में क्यों होते हैं, ये देखो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में होंगे। अब देख रहे हो आप कि प्रॉफिट एंड लॉस भी ऐसा क्यों बनता है, उसके पीछे भी यही लॉजिक है। मैं भाई साहब अकाउंटिंग आपकी ऐसे वेरी फ्लो में करा दूंगा। हाँ, क्रेडिट साइड इनकम होती है। इनकम क्रेडिट साइड क्यों होती है? यही कारण होता है। अब ध्यान से सुनो सर, आपने कहा A-E-L-I-C पांच पिलर होते हैं, ठीक है जी। क्या मैं कहूँ इन पांच पिलर में से इनकम आई में आ गया, एक्सपेंसेस ई में आ गए,
फिर आती है मेरे बेटा मेरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मुझे क्या बताती है? बैलेंस शीट मुझे बताती है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट मुझे क्या बताती है? बैलेंस शीट मुझे बताती है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? मेरे पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और मेरे पास कितने एसेट्स हैं। क्या मैं कहूँ लाइबिलिटीज़ ने उठ के एल बना दिया और एसेट्स ने उठ के ए बना दिया, और लाइबिलिटी के अंदर मेरे बेटा कैपिटल भी होती है, क्योंकि कैपिटल एक बिजनेस की लाइबिलिटी है। कैपिटल ने उठ के सी बना दिया। इसका मतलब मेरी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को AELIC कवर करता है, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को AELIC कवर करता है। दैट इज व्हाई आई डोंट नीड एनी सिक्स्थ हेडिंग, राइट? क्योंकि मेरा पांच में काम हो रहा है सारा का सारा, इसीलिए मुझे कोई भी छटा करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझते हो? हाँ जी सर, ये बात समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, 110% समझते हैं, ठीक है। बट इफ आई स्किप एनी वन, अगर मैंने कोई भी एक छोड़ दिया, मैंने एसेट छोड़ दिया, एक्सपेंसेस छोड़ दिया, लाइबिलिटी छोड़ दिया, इनकम छोड़ दिया, कैपिटल छोड़ दिया, कोई भी एक पॉइंट अगर मैंने छोड़ दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी फुल्ली कवर्ड? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी पूरी तरीके से कवर्ड हो ही नहीं पाएंगी। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से कवर हो ही नहीं पाएंगी, इसका मतलब आई नीड फाइव हेड्स, मुझे पांच के पांच हेड चाहिए ही चाहिए। तो आपको आई होप पूरा का पूरा AELIC का लॉजिक समझ में आया होगा, राइट? आई होप आपको AELIC का कंप्लीट लॉजिक समझ में आ गया होगा। जी बिल्कुल समझ में आ गया है सर। जी बच्चों समझ में आ गया, क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ जी सर क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो हमने जब बोला था कि हम ये चीज़ें सीखेंगे, तो अभी तो हम कहाँ पहुँचे हैं? हमने देखो कितने प्यारे नोट्स बन रहे हैं हमारा, अभी तो हम यहाँ पहुँच गए बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स पर। हमने मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कर लिया, राइट? और हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ चीज़ें बताई, ये हमारी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गई। अब ध्यान से सुनो, मैंने तो आपको सिंपल कर दिया, मैंने तो आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में केवल एक ही चीज़ बताई। क्या? केवल एक ही चीज़ बताई, AELIC और C, मैंने तो आपको केवल ये बताया। लेकिन कई लोग दूसरा तरीका भी फॉलो करते हैं। ये देखो AELIC सिंपल है, सरल है, कोई डाउट नहीं है इसमें। केवल पांच चीजें हैं, पांच में से ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, बात खत्म। और कोई आपको कुछ और आपको कुछ भी काम नहीं करना, राइट? केवल इतनी बात करनी है कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, ठीक है सर?
आगे बात करते हैं। अब अगर मैं आगे बात करता हूँ तो क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनना, सुनते रहो और बता रहा हूँ। सुनो, एक और चीज़ होती है क्या, ट्रेडिशनल सिस्टम। देखो भाई, हम मॉडर्न ज़माने के हैं, हमने ये सीख लिया, लेकिन ट्रेडिशनल को भी कर लेते हैं, क्योंकि आदमी को अपने ट्रेडिशंस, अपने कस्टम, अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। तो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या कहता है, ट्रेडिशनल सिस्टम कहता है कि मैं फुल अकाउंटिंग को, मैं फुल अकाउंटिंग को तीन मेन हेड्स में बांटता हूँ। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मैंने कहा चलो सर हो जाए, आइए देखते हैं। उसने कहा सर देखो, पर्सनल अकाउंट वो होगा जो पर्सन से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट वो होगा जो खाता पर्सन से रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है जी। ठीक है सर, मैंने मान लिया जी पर्सन से रिलेटेड है। अब इसके अंदर फर्दर तीन क्लासिफिकेशन हो सकती हैं क्या। नंबर एक हो सकता है नेचुरल पर्सन का अकाउंट, आप एक नेचुरल पर्सन हो, मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ, जैसे मैं हो गया नकुल कठेरिया, मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ। पर्सनल अकाउंट में दूसरा हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल मतलब जो मैन मेड पर्सनल हो, मतलब बिजनेस एंटिटीज। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सर ये क्या चीज होती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का मतलब हो गया विच रिप्रेजेंट्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है कोई आउटस्टैंडिंग एडवांस वगैरह वगैरह को, कोई भी आउटस्टैंडिंग हो गया, एडवांस हो गया, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, करते रहो, देखते रहो, मैं सब कुछ सेट करा दूंगा, सब कुछ, कोई चीज नहीं बचेगी, सब सेट हो जाएगा, बस तुम मेरी बातों को सुनते रहो। ठीक है सर, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है सर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट किसके लिए होता है, रियल अकाउंट होता है एसेट्स के लिए एक्सक्लूडिंग डेट्स। ठीक है जी, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। सर ये नॉमिनल अकाउंट किस चीज के लिए होता है, मेरे बेटा ये नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस के लिए होता है। सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। अरे आपको करने की जरूरत भी नहीं है, बस ध्यान से सुनो, मैं आपको एक एक बात समझाता हूं, सुनना ध्यान से। देखो मैंने यहां लिखा ए, ई, एल, आई और सी, और यहां लिखा पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फिक्सिंग करते हैं, 100% मैच करेगा, 100% मैच करेगा, देखना ध्यान से, 110% मैच करेगा, आप मेरी बातों को सुनो। सर सुनाओ, आज हो ही जाए,
देखो भाई समझाता हूं, आ जा जल्दी, आ गया। क्या मैं कहूं, मैंने अभी आपको लिखवाया कि नॉमिनल अकाउंट वो होंगे जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब ये ई और ये आई, ये तो दोनों घुस के नॉमिनल में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? जवाब दे। ये ई और ये आई तो दोनों नॉमिनल बन जाएंगे कि नहीं? ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। लाइबिलिटी, एल, लाइबिलिटी का मतलब क्या था? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स विच विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश और अदर रिसोर्सेज, जो कि फिक्स्ड है, होनी ही होनी है। यस सर, अमाउंट फिक्स्ड है। क्या मैं कहूं लाइबिलिटी पे करोगे, किसी को तो पे करोगे कि नहीं? या तो किसी व्यक्ति को पे करोगे, या कंपनी को पे करोगे, या बैंक वालों को पे करोगे, लेकिन किसी को तो पे करोगे ना। इसीलिए सारी लाइबिलिटीज पर्सनल ही होती हैं। आ रही है बात समझ में? कैपिटल, क्या मैं बोलूं, कैपिटल होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। किसी ने तो पैसा लगाया होगा ना, मेरा धंधा है तो मेरा पैसा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? और अगर मेरा पैसा लगा होगा तो मेरी कैपिटल हो गई कि नहीं हो गई? इसीलिए कैपिटल भी पर्सनल में ही जाती है। एसेट के मैं दो पार्ट कर देता हूं, एक डेट्स और एक ऑल अदर्स। डेट्स का मतलब होता है पैसा मिलना। क्या मैं कहूं, मुझे अगर पैसा मिलेगा तो किसी व्यक्ति से ही तो मिलेगा ना, तो वो हो गया पर्सनल। और ऑल अदर एसेट्स, ऑल अदर एसेट्स ये बन जाएंगे रियल, ये बन जाएंगे रियल। तो क्या मैं कहूं, ए ई एल आई सी परफेक्टली मैच कर जाता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल से, राइट? ए ई एल आई सी परफेक्टली अलाइंड है, परफेक्टली मैच कर जाता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल से। यस सर, 100% मैच कर जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ जी सर, आ तो रही है। यस यस, आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है जी। आ रही है, यस यस यस, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, परफेक्ट है जी, कोई टेंशन नहीं सर, बिल्कुल डन है। आओ आगे की बात करते हैं फिर। अब सर जब आगे की बात करी तो अगली चीज आई रूल्स। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन ट्रेडिशनल सिस्टम। मतलब सर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में व्हाट टू डेबिट एंड व्हाट टू क्रेडिट, व्हाट टू डेबिट एंड व्हाट टू क्रेडिट। तो भाई इसका भी सिंपल सा रूल निकाला गया, पर्सनल के अंदर अगर मैं बात करूं, पर्सनल के अंदर, हाँ
पर्सनल के अंदर रूल लगता है, डेबिट रिसीवर होगा और क्रेडिट गिवर होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है सर। रियल में रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल में रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। बात बिल्कुल सही है सर। कैसे बात सही है जरा समझाओ, मैं आपको बिल्कुल समझाता हूँ, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना मेरे बेटा। जब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि नॉमिनल के अंदर डेबिट होते हैं ऑल एक्सपेंसेस, तो क्या मैं कहूँ हमने वहाँ भी तो AELIC में भी तो एक्सपेंसेस को डेबिट ही करा था? क्रेडिट होती हैं ऑल इनकम, हमने AELIC में भी तो यही पढ़ा था कि जब इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होता है, डेबिट होता है व्हाट कम्स इन। अरे मेरे भाई, अगर कोई एसेट मेरे पास आएगा तो मेरा एसेट बढ़ा, और AELIC में भी तो हमने यही पढ़ा था ना कि अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया एसेट गया तो एसेट कम हो गया, और एसेट कम हो गया तो क्रेडिट ही तो होगा कि नहीं होगा। तो ये मैंने आपके सामने पूरी की पूरी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को खोल के रख दिया, पूरी की पूरी मैंने यहां बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को आपके सामने खोल के रख दिया। आई होप आपको ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग समझ में आई होगी। मेरी आपसे केवल एक गुजारिश है कि अगर आपको ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली चीज आपको क्या चाहिए। जो आप बोलोगे कमेंट्स में, जो ज्यादा कमेंट होंगे, मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। मैं वही वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए तब तक के लिए चला जाए, क्या कहती है पब्लिक? जी सर, आप जाएं, बिल्कुल जाएं, तसल्ली से जाएं। ठीक है मेरे बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करते रहें, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी तो मैं देख पाऊंगा ना कि क्या इम्पोर्टेंट आपको और करा सकें। बाय बाय।